आजकल ना हर जगह एआई की धूम मची हुई है कि एआई ये कर सकता है, एआई वो कर सकता है। और सबसे बड़ा फ़ायदा एआई का हुआ है यूट्यूबर्स को। जी हाँ, यूट्यूबर्स अपने वीडियोस के लिए टैग, टाइटल सब कुछ इससे ले सकते हैं, यहाँ तक कि अपने वीडियो के लिए नया टॉपिक भी एआई से ले सकते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा फ़ायदा जो है एआई का, वो शायद आपको नहीं पता होगा। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। जी हाँ, एआई की मदद से ना अब आपको अपने यूट्यूब वीडियोज़ के लिए स्टूडियो की ज़रूरत नहीं रहेगी। जी हाँ, स्टूडियो की ज़रूरत बिल्कुल ख़त्म। और आप जो है ना कहीं भी बाहर वीडियो बनाइए, खुले मैदान में बनाइए, कितने भी शोरगोल में बनाइए, आपकी वीडियो की जो ऑडियो क्वालिटी होगी वो एआई के माध्यम से ऐसी हो जाएगी जैसे बिल्कुल आपने स्टूडियो में बैठकर रिकॉर्ड की है। ये जो आप बात सुन रहे हो ना, ये इसके लिए मैंने कोई अलग से माइक नहीं लगा, देख सकते हैं कोई माइक्रोफोन मैंने नहीं लगाया है, कोई वायरलेस नहीं है, कोई वायर्ड माइक नहीं है। ये जो सारी आवाज़ आ रही है ना आपको, ये मोबाइल के माइक से ही आपको आ रही है। और ये सब हुआ है एआई की मदद से। कैसे करेंगे, आइए मैं भी आपको भी दिखाता हूँ। विश्वास नहीं हो रहा ना, मुझको भी नहीं था, लेकिन जब मैंने प्रैक्टिकल किया तब माना कि हाँ वाकई बहुत अच्छा टूल है। तो आइए मैं लाइव प्रूफ आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये काम करता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी पता है क्या है, आपको जो है ना ये जो आपकी वीडियो है इसकी आपको ऑडियो अलग निकालनी होगी और उसको फिर उस टूल में ले जाना होगा, फिर वह टूल आपकी ऑडियो को एकदम बेहतरीन बना देगा, फिर आपको दोबारा से अपनी वीडियो को एडिटिंग करना है। तो सारे काम कैसे करेंगे, आइए चलते हैं। सबसे पहले अपने इस वीडियो को हम लेते हैं लैपटॉप में। तो सबसे पहले आपने जो वीडियो रिकॉर्ड की अपने मोबाइल में, वो आपको अपने कंप्यूटर में ले लेनी है डाटा केबल के माध्यम से। आप देख सकते हैं मैं अपनी वीडियो को ले लेता हूँ, ये मेरी वीडियो आ गई, ठीक है। इसको यहाँ से कट करते हैं और अपने किसी भी आप फोल्डर में उसको डाल सकते हो। वहीं अब वीडियो हमारी आ चुकी है, अब हमको क्या करना है, इस वीडियो से निकालनी है ऑडियो। दो तीन तरीके हैं, या तो मैं वंडरशेयर फिल्मोरा का भी यूज़ कर लेता हूँ, लेकिन सबसे आसान तरीका जो है वो है फॉर्मेट फैक्ट्री। इस सॉफ्टवेयर के ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है, अगर वो आपने नहीं देखी तो देख लीजिए। इसकी मदद से हम किसी भी वीडियो फाइल को कुछ भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझको ऑडियो निकालनी है इसकी, WAV में निकालनी है। इस फाइल को मैं यहाँ से लाऊंगा, ड्रैग करूंगा यहाँ पर, और आप देख सकते हैं यही जो मैंने वीडियो बनाई है अभी, इसको ओके कर देंगे और इसको यहाँ से कर देंगे स्टार्ट, तो इस वीडियो की जो ऑडियो अलग हो जाएगी। अब आपको क्या है, आपको जो है अपना इंटरनेट अपने कंप्यूटर में ऑन कर लेंगे, ठीक है। जैसे मैंने अपना इंटरनेट ऑन कर लिया है, ठीक। अब क्या करना है, अब आपको जाना है वेबसाइट पर। तो कौन सी वेबसाइट है, वेबसाइट का नाम है podcast.adobe, ठीक है। आप देख सकते हैं ये आ गई है podcast.adobe/enhance, ठीक है। इस वेबसाइट पर आपको जाना है, बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों, और इतना ज़बरदस्त ये वर्क करता है ना, आप सोच नहीं सकते। तो अब दोस्तों आपके सामने इस तरीके का जो है वेबसाइट खुल जाएगी और इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब आपको क्या करना है, क्विक टूल्स पर जाना है। यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, इनहेंस स्पीच और माइक चेक। आपको जाना है इनहेंस स्पीच पर, ठीक है। यहाँ पर आपके सामने एक सैंपल भी होगा, जैसे आप देख सकते हैं इसको अगर ओपन करेंगे, कॉन्फ्रेंस रूम विद द विंडो ओपन, ये है बिना इनहेंस स्पीच और नॉट द बेस्ट प्लेस टू रिकॉर्ड ऑडियो येट विद, ठीक है, इनहेंस स्पीच और ऑल ऑफ द बैकग्राउंड नॉइज़ इनहेंस स्पीच इस तरीके आ जाती है एज इफ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर साइन अप कर सकते हैं या अगर आपने ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है तो साइन इन कर सकते हैं। साइन अप पर जाएंगे, बहुत आसान है, आराम के साथ आप किसी भी अपने गूगल अकाउंट से या फेसबुक अकाउंट से इसमें लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। मैं फेसबुक से कर लेता हूँ, बहुत ही आसान है, सिंपल स्टेप में इसमें साइन इन हो जाता है, कोई इसमें आपको पैसा खर्च नहीं करना है। अभी ये जो टूल है बिल्कुल फ्री है, आने वाले समय का पता नहीं है दोस्तों, ठीक है। कंटिन्यू कर देंगे, लॉगिन होने के बाद आपके सामने इस तरह का ऑप्शन अब आ जाएगा, ठीक है। Adobe पॉडकास्ट आपसे एकदम बीटा इसमें लिखा हुआ है, बीटा वर्जन इसका शायद ये। अब यहाँ पर आपको जो वो फाइल लानी है जो आपने अपने सिस्टम में कॉपी की है, ठीक है। तो मैं यहाँ से ये फाइल ले आता हूँ, ये आ गई है यहाँ पर। अब इस फाइल को जो हमारी ये इनहेंसिंग कर देगा, हमारी जो ऑडियो फाइल है इसकी जो क्वालिटी है बहुत अच्छी कर देगा, ठीक है। अभी अगर आप इसकी क्वालिटी सुनेंगे, मैं यहाँ पर यहीं पर सुनवा दूंगा अभी, इसमें थोड़ा सा समय लगता है, आपके इंटरनेट के ऊपर है, अगर आपका नेट काफ़ी अच्छी स्पीड में है तो ये जल्दी हो जाता है, वरना थोड़ा सा समय ले लेता है यहाँ पर। तो मेरा नेट जो है थोड़ा स्लो था तो इसलिए समय ज़्यादा ले लिया है, मैंने वीडियो इसलिए फास्ट फॉरवर्ड कर दी थी। अब आप देख सकते हैं हमारी वीडियो ये कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। मैं आपको इसका प्रीव्यू दिखा देता हूं। जो भी प्रीव्यू है ये इनहेंस स्पीच ऑन है, ठीक है, तो आप सुन सकते हैं। आजकल ना हर जगह एआई की धूम मची हुई है कि एआई ये कर सकता है, एआई वो कर सकता है। और सबसे बड़ा फ़ायदा एआई का हुआ है यूट्यूबर्स को। जी हाँ, यूट्यूबर्स अपने वीडियोस के लिए टैग, टाइटल सब कुछ इससे ले सकते हैं, यहाँ तक कि ऑफ करता हूं तो के लिए नया टॉपिक भी एआई से ले सकते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा फ़ायदा जो है एआई का, वो शायद आपको नहीं पता होगा, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। जी हाँ, एआई की मदद से ना अब आपको अपने यूट्यूब वीडियोस के लिए स्टूडियो की ज़रूरत नहीं रहेगी। जी हाँ, स्टूडियो की ज़रूरत बिल्कुल ख़त्म। और आप जो है ना कहीं भी बाहर वीडियो बनाइए, खुले मैदान में बनाइए, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये बिना इनहेंस स्पीच है, आपकी वीडियो की जो ऑडियो क्वालिटी होगी वो एआई कितना जो है बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है, और इसको ऑन कर देंगे एआई के माध्यम से ऐसी हो जाएगी जैसे बिल्कुल आपने स्टूडियो में बैठकर रिकॉर्ड की है। ये जो आप बात सुन रहे हो ना, ये इसके लिए मैंने कोई अलग से माइक नहीं लगा।
तो देखा आपने इतना जबरदस्त ये टूल है। और बस अब आपको जो है क्या करना है, अपने इस ऑडियो को डाउनलोड कर लेना है। आप देख सकते हैं ये डाउनलोड हो चुकी है। डाउनलोड होने के बाद आप इसको प्ले करके सुन सकते हो। धूम मची हुई है ये देखिए, एकदम जो फील आती है ना वो कि भाई किसी स्टूडियो में बैठ के रिकॉर्ड किया है, जबकि मैंने बिल्कुल खुले में किया है। और इसके लिए मैंने कोई अलग से माइक्रोफोन भी यूज नहीं किया है, ये मोबाइल का ही माइक है। तो क्या आप इस टूल के बारे में पहले से जानते थे? अगर जानते थे तो कमेंट करके बताइए, और अगर आपको नहीं पता था और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।